प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सत्रहवें अध्याय के बीच में थे। सत्रहवें अध्याय में हमने तीन प्रकार के जो तीन स्तर पे शरीर मन और वाणी इनकी कैसे तपस्या होती है ये चर्चा कर रहे हैं। तो ये विधा क्या चल रहा है, भगवान बोल रहे हैं कि हमें किसी व्यक्ति की श्रद्धा का क्या स्तर है वह समझना है, तो उसके बाह्य कार्य को देखना है, तो हम उसके अन्न के बारे में देखे, फिर उसके बाद में यज्ञ तप और दान, यज्ञ के बारे में देखा, अभी हम तप के बारे में देख रहे हैं। तो पहले जो भगवान बताते हैं कि ये तीन प्रकार के हम जो तपस्या होती है वो शरीर मन और बुद्धि इन तीन स्तरों पे हम कर सकते हैं। तो इनमें अगर ये जो कार्य बताए गए हैं ये कार्य अगर व्यक्ति सत्वगुण में करता है तो उसका अलग परिणाम होता है, रजोगुण में करता है तो अलग परिणाम होता है। तो सात्विकं परिचक्षते। तो श्रद्धया परया तप्तम, परया मतलब बहुत ही उच्च स्तर का, पराभक्ति जो होती है शुद्ध भक्ति कहते हैं, दिव्य भक्ति कहते हैं। यहाँ पे परया जो है, परया और परा एक समान नहीं है, उसी दिशा में है वो, पर वो बिल्कुल एक समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सात्विकम बता रहे हैं, सत्वगुण में है तो वो दिव्य नहीं हो सकते, पर दिव्यता की ओर है। जिसे हम जानते हैं सत्व और शुद्ध सत्व दोनों समान ही है, सब उसमें समान नहीं है, दोनों नॉट सेम बट सिमिलर, दोनों थोड़े से उसमें कुछ समानता है। तो क्या है, तम रज सत्व और उसके ऊपर शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व जो है रज और तमो से शुद्ध निकल जाता है प्रभाव पूरा, सत्व जो है शुद्ध सत्व बन जाता है। तो उसमें एक्चुअली इंग्लिश देयर आर थ्री वर्ड्स के सिमिलर इक्वल और आइडेंटिकल, तो ए इसके लिए हिंदी में शब्द बता नहीं, पर आप समझ गए बिल्कुल एक समान नहीं है पर उसके करीब ही है, जैसे आप बता रहे थे करीब है वो। तो शुद्ध सत्व जो है वह नहीं है यहाँ पे, सत्व की बात करें श्रद्धया परया तप्तम। तो बहुत ही अच्छी तरह से दिव्यता के करीबी श्रद्धा होती है उसके साथ तपस्त त्रिविधम नरई अफलाकांक्षी, तो इस प्रकार के व्यक्ति ये तीन प्रकार के तप करता है और बिना किसी फल की आकांक्षा के। तो क्या होता है कि अभी ये तीन प्रकार के तप है, अभी कोई भी तपस्या करनी है तो उसमें कुछ श्रद्धा होनी चाहिए, कि श्रद्धा के बिना कोई भी किसी भी प्रकार की तपस्या नहीं कर सकता है। मान लीजिए विद्यार्थी होते हैं, अगर उनको आईआईटी में पास होके जेई में पास होके आईआईटी में प्रवेश करना है तो उसके लिए काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है उनको। तो कुछ कुछ जगह होते हैं कोटा वगैरह, वहाँ पे क्या आईआईटी कोचिंग सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे विद्यार्थी जाके रहते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ के और कभी सालों सालों तक पढ़ाई करते रहते हैं। तो वह क्या अभी तपस्या है, कोई व्यक्ति से बता रहा था बस कि अमेरिका जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वो बहुत कुछ वीज़ा प्राप्त करने के लिए परेशानी उठाते हैं। तो परेशानी क्यों उठा रहे हैं, उसमें कुछ श्रद्धा है कि मैं अभी ये परेशानी दूंगा तो उसके बाद में मुझे कुछ उसका फल मिलेगा। तो कुछ हद तक श्रद्धा हर एक कार्य में होती है, पर श्रद्धा का दर्जा होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देखता है, एडवर्टाइजमेंट देखता है कि आप ये खरीदो और फिर आप सुंदर हो जाओगे,
कि आपका चेहरा चमकने लगेगा या हो जाए तो उसमें भी क्या कर रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं। पर वह जो श्रद्धा है वह श्रद्धा पर्याय नहीं है, वह उच्च स्तर की श्रद्धा नहीं है। वो क्या है, न केवल भौतिक चीजों में है वह श्रद्धा, भौतिक चीजों में तो है ही, पर उसके साथ साथ वह श्रद्धा ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करके नहीं रखी गई है। तो श्रद्धा या पर्याय तत्व, कई बार लोग कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, अगर मैं दिखेगा तो मैं उस पर विश्वास करूंगा। तो वास्तव में क्या है, सीइंग इज बिलीविंग, यह वास्तव में जानवरों की विचारधारा है, ये मानवों की विचारधारा नहीं है। तो क्या है, जानवर जो होते हैं, अभी जो जो हिरन होता है वो किसी मृग को देख, किसी मृगजल को देखता है रेगिस्तान में, सोचता है यहाँ पे पानी है और उसके पीछे दौड़ते रहता है। तो जो जानवर होते हैं उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि जो आंखों से दिख रहा है उसका उसको काउंटर करना, उसका प्रतिकार वो अपने बुद्धि के आधार पर करते हैं। हमें पानी दिख रहा है पर पानी नहीं है, यह जो समझ, मतलब क्या है, बुद्धिमत्ता का लक्षण क्या है कि हमको जो दिखता नहीं है उसका भी अस्तित्व हम समझ पाते हैं। और वास्तव में यह केवल अध्यात्म के लिए नहीं है, यह विज्ञान के लिए भी है। अभी विज्ञान में भी अनेक जो वैज्ञानिकों ने तत्व या नियम से निकाले हैं, वे गुरुत्वाकर्षण है, कोई गुरुत्वाकर्षण देख नहीं सकता है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण देख नहीं सकता है, बहुत से जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स है छोटे छोटे मेसोन्स वगैरह उनको भी कोई देख नहीं सकता है। तो विज्ञान में जो प्रगति होती है वह क्या है, हम जो देखते हैं देख के उसको समझने के लिए हम कुछ जो दिखता नहीं है उसका प्रस्तावना करते। तो अभी न्यूटन ने देखा कि यह फल नीचे गिर रहा है, एक बहुत से लोग होते हैं फल नीचे गिर रहा है चलो खा लेते उसको पर वो जो फल गिर गया तो उसने क्या विचार किया, ये फल नीचे क्यों गिरा, जो देखा उसके आधार पर जो दिख नहीं रहा है उसका प्रस्तावना की उसने। तो ऑल नॉलेज प्रोग्रेसेस बाय पोस्टुलेटिंग द इनविजिबल फ्रॉम द विजिबल, जो दृश्य है वो देखते हैं और जो दृश्य हमें जो दिखता है उसको समझने के लिए या उसको समझाने के लिए हम कुछ अदृश्य चीजों की प्रस्तावना करते हैं। प्रस्तावना इस करें प्रपोजल या पोस्टुलेशन, प्रस्तावना करते हैं। तो ठीक उसी तरह से इस जगत में हम देखते हैं कि बहुत नियमबद्धता है, इसीलिए हम समझते हैं कि इस जगत के ऊपर एक भगवान होना चाहिए जो उसकी नियमबद्धता को पालन करते हैं, अनुशासित करते हैं। तो वैसे ही तपस्या का में क्या श्रद्धा होती है कि अभी मैं कुछ जो मेरे लिए अनुकूल जो सुखदायक नहीं है ऐसी कोई चीज मैं स्वीकार करता हूँ तो उसका फल क्या होगा, उसका फल बाद में मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। तो एक चीज है कि जो दिखता नहीं है उसका उसमें हमें श्रद्धा रखना कि उसको बुद्धि के आधार पर समझना कि ये है। और दूसरा है कि श्रद्धा का एक और पहलू है कि समय इन द पेशेंस, इससे क्या होता है, कोई छोटा बालक होता है डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर चॉकलेट देते हैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर इंजेक्शन देते तो बहुत बुरा डॉक्टर है। तो क्या है, उसका दूरंदेशी नहीं है। तो वो जो व्यक्ति बड़ा हो जाएगा तभी भी अगर कोई सुई लचुभाता है तो दर्द तो होता ही है थोड़ा बहुत, पर क्या है जब बुद्धि बड़ी विकसित हो गई होती है समझते हैं कि ये थोड़ा दर्द हो रहा है पर इससे बाद में फायदा होगा, बीमारी चल जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो यह है श्रद्धा की भूमिका। तो श्रद्धा जो सात्विक होती है उसमें क्या, सात्विक श्रद्धा में व्यक्ति जो दिखता है उसके परे देख सकता है, उसके परे जो अदृश्य है वो देख सकता है या जो भविष्य में दृश्य हो जाएगा, जैसे कि अभी बीमारी है इंजेक्शन तो दर्दनाक लगता है पर भविष्य में से स्वास्थ्य आ जाएगा वो बुद्धि से समझ सकता है। तो ऐसी श्रद्धा से जो व्यक्ति कार्य करता है वह सात्विक है। तो वो उसके उस प्रकार की जो तपस्या करता है वो व्यक्ति सात्विक तपस्या है। फिर उसके बाद में सत्कारमान पूजार्थम, सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन
तपोगमेन चैवयत् तपोगमेन चैवयत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसंचलमद्रुवम् राजसंचलमद्रुवम्। तो अभी सत्कारमान पूजार्थम्, तो कोई व्यक्ति तपस्या करता है और किसके लिए, वो बहुत आदर प्राप्त कर रही है, तपोदम्भेन चैवयत् और क्या है, दम्ब बहुत दिखावा करना चाहता है। क्रियते तदिह प्रोक्तम्, इस प्रकार से जो करता है तो उस पर क्रियते, जिस तरह से कर रहा है प्रोक्तम, उसको क्या कहते हैं, राजसम चलम ध्रुवम। तो रजोगुण का लक्षण क्या है कि इंग्लिश में कहते हैं कि सम पीपल मेक थिंग्स हैपन, सम पीपल वॉच थिंग्स हैपन, सम पीपल वंडर व्हाट हैपेंड। कुछ लोग क्या कार्य कराते हैं, करवाते हैं या कराते हैं, कुछ लोग कार्य होते हुए देखते हैं और कुछ लोग सोचते क्या हो गया, समझ भी नहीं आता। तो ये क्या है, ये एक रफ दृष्टि से ये सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण में क्या हो रहा है कुछ समझ भी नहीं आता, कुछ भी समझ भी नहीं आता। अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च, हमने देखा चौदहवें अध्याय के श्लोक में। तो अभी यहाँ पे क्या, ये तमोगुण का लक्षण है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रजोगुण में क्या, व्यक्ति करना चाहता है पर क्या होता है, बहुत सी चीजें होती रहती है। मैं कुछ करना चाहता हूँ पर मेरे मन की कुछ और योजना होती है, और मैं बोलना एक चाहता हूँ और कुछ और बोल जाता हूँ मैं, और फिर उससे क्या समस्या और बढ़ जाती है। मैं एक काम करने जाता हूँ पर मन पर कुछ देख लेता हूँ मैं और वो अच्छा लगता है तो उधर कहीं चला जाता हूँ मैं। तो फिर ये जो है, ये सब जो है, हम से वॉच थिंग्स हैपन, जो हो क्या हो रहा है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे क्या हो रहा है, तो नियंत्रण नहीं रहता है। पर सत्वगुण में होता है तो व्यक्ति अच्छी तरह से कार्य कर सकता है। सत्वगुण में ऐसे नहीं है कि सत्वगुण में रहना मतलब कार्यहीन हो जाना। अगर हम आठवें स्कंद में जो अमृत मंथन की लीला है, सागर मंथन करके अमृत निकालने की, तो उसमें ऐसे बताया जाता है कि जब मंदार पर्वत को वास्तुकी के रूप में रस्सी से बांधा जाता है तो भगवान ही तीन गुणों के रूप में सब में प्रवेश करते हैं। तो भगवान तमोगुण के रूप में वास्तुकी में प्रवेश करते ताकि वो सो जाता है, नहीं तो वो घर्षण से उसको भी दर्द होगा और बहुत सारा दुर्गंध और बाफ वगैरह सब आएगी, धुआं आएगा, अग्नि आएगी उसके पेट से। फिर भगवान रजोगुण में प्रवेश करके असुरों के में प्रवेश करते हैं और उनको उत्तेजित करते हैं, और भगवान सत्वगुण में जो देवताओं में प्रवेश करते हैं। अभी जो है देवता है वो मंदार पर्वत के खंभे के समान है और असुर एक दिशा से खींच रहे हैं और जो देवता है वो दूसरी दिशा से खींच रहे हैं। अभी दोनों खींच रहे हैं, अगर एक पक्ष रजोगुण में है और दूसरा सत्वगुण में है तो दोनों समन्वय रख के कैसे खींच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वास्तव में सत्वगुण का व्यक्ति भी कार्यशील होता है, तो उनमें भी शक्ति होती है, उसमें भी कार्य होता है, पर क्या है, वो दूरंदेशी के साथ कार्य होता है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमें कि सत्वगुण में रहना है मतलब हमें कुछ ज्यादा सेवा नहीं करनी, सब कुछ आराम से रहना। क्या है, सत्वगुण में बाह्य रूप से क्या होता है, कभी कभी सत्वगुण और तमोगुण समान लगता है। क्यों होता है कि रजोगुण में कार्य बहुत होता है, सत्वगुण और तमोगुण में व्यक्ति इतना कार्यशील नहीं होता है। पर क्या है, बाह्य रूप से वो समानता है पर वास्तव अंतरंग से काफी फर्क है। तो क्या है, सत्वगुण में कार्य होता है पर सोच समझ के कार्य करता है, और जब व्यक्ति कार्य करता है तभी उत्साह से कार्य करता है। तो रजोगुण में क्या है, बहुत ज्यादा दूर तक देख नहीं सकता, इसलिए शक्ति रहती है, उत्साह रहता है, पर कुछ समय के लिए उत्साह रहता है। तो दिखावा तपोदम्भेन चैवयत्, तपोदम्भेन चैवयत्। कोई अगर उपवास करता है तो सारी दुनिया को बताना चाहता है कि मैंने इतना उपवास किया। तो यह जो है क्या है कि अगर हम उपवास कर रहे हैं तो उपवास में क्या होता है कि हमारा, अगर उपवास करके हम दिखावा कर रहे हैं तो वो होता है कि हमारा शरीर फास्टिंग कर रहा है पर हमारा जो अहंकार है वो फीस्टिंग कर रहा है। तो देखो ये लोग कितने पतित हैं, इतना खाते हैं और मैं इतना आत्मनियंत्रित। तो बाइबल में बताया गया है कि अगर आप उपवास कर रहे हो
तो इस तरह से अपना इस तरह से रहन सहन करो कि किसी को पता भी ना चले कि आप उपवास कर रहे हो। तो दिखावा भगवान देख रहे हैं, भगवान उस तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे। दम्भ जब होता है तो क्या होता है, भौतिक स्तर पे हम फल चाहते हैं। क्या भौतिक स्तर पे जो स्थूल स्तर पे फल होता है, पैसा चाहिए, शक्ति चाहिए, और सूक्ष्म स्तर पे होता है वो मान चाहिए। तो ऐसे क्या आप कह रहे हैं, इफ यू वांट फेम देन यू विल नॉट गेट प्रेम। कि अगर हमको फेम चाहिए, ख्याति चाहिए, तो फिर हमको भगवत भक्ति में प्रगति नहीं होगी, क्योंकि भगवान का स्मरण नहीं कर रहे। फिर तमोगुण का भी जो इस सत्वगुण में तपस्या के लिए जैसे रिजल्ट्स हम देख नहीं पाते दूर तो उत्साह के लिए प्रेरणा, कुछ रिजल्ट मिला तो उत्साह के लिए प्रेरणा मिलता है, कुछ नहीं मिला तो दूर बहुत ऐसे ही उत्साह कैसे बनाए। हाँ, तो सत्वगुण में अभी हम सबको फल चाहिए कुछ जिससे कि हम प्रवृत्त रह सके कार्य करने में। हाँ, वो जरूरी है, पर वास्तव में जो फल होते हैं ऐसे नहीं है कि अभी सिर्फ एक लॉन्ग टर्म फल होता है। अगर शास्त्रों का अध्ययन हमें करना है मान लीजिए, तो अगर मैं सोचूंगा कि मैं एक साल में अभी तीन भागवतम के तीन स्कंद पढ़ लूँगा, या दो दो तीन साल में मैं पूरा भागवतम पढ़ लूँगा, तो क्या है, ये बहुत लंबा है। तो उसको हमें ब्रेक डाउन करना चाहिए। फिर उसका मतलब है कि मैं एक हफ्ते में एक अध्याय पढ़ लूँगा, या एक हफ्ते में दो अध्याय पढ़ लूँगा, तो वो ध्येय हो सकते हैं। तो उसी तरह से जो ध्येय होते हैं हमें हमारी क्षमता के अनुसार रखने चाहिए। तो ऐसे सत्वगुण का मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि हम अफलाकांक्षी भी जब बोलते हैं तो उसका मतलब नहीं है कि हम देह की ध्येय की परवाह नहीं करते, कि हम ध्येय से आसक्त नहीं है। उसमें फर्क है कि देयर इज जो वैराग्य या अनासक्ति और गैर जिम्मेदारी, क्या है, डिटैचमेंट इज आफ्टर द एक्शन, इररिस्पॉन्सिबिलिटी इज बिफोर द एक्शन। मतलब क्या है, ये गैर जिम्मेदारी मतलब मैं वो कार्य करने की परवाह ही नहीं करता हूँ। कोई को अभी कोई संडे फीस्ट है और हमको स्वीट बनाने को किसी से वादी गई है, तो अगर मैं क्या हूँ, गैर जिम्मेदार हूँ, कैसे भी स्वीट बन जाए क्या फर्क पड़ता है। अगर स्वीट अच्छा भी नहीं होगा तो भी जो लोग आएंगे उनको भी वैराग्य से किसी ने मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये गैर जिम्मेदारी, मतलब सेवा करने के पहले ही मैं उसमें मेरा मन नहीं लगाता, उससे मेरी चेतना नहीं लगाता, तो वो गैर जिम्मेदारी होगी। पर वैराग्य का अर्थ क्या है, विरक्ति का अर्थ क्या है, कि मैं सेवा करने में मन लगाता हूँ और जितनी मेरी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि वो फल लाए, पर वो फल भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए अगर वो फल आएगा भी नहीं तो भी मैं वो सेवा करते रहूंगा। तो ये भाव क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते या यहाँ पे अफलाकांक्षी भीर, उसका प्रधान भाव क्या है कि हमारी चेतना एकाग्र रहे जो हम कार्य कर रहे हैं और जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं उसमें। तो ऐसे क्या है, आदर श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनाथ निष्ठा रुचि आसक्ति भाव। तो ऐसे रुचि और आसक्ति दोनों काफी समान है, पर उसमें फर्क क्या है, रुचि में सेवा में रस लगता है और आसक्ति में भगवान में रस लगता है। तो दोनों में रस है, पर क्या है, जब सेवा में रस है मतलब मुझे ये सेवा अच्छी लगती है, पर जब आसक्ति का सर आता है तो कोई भी सेवा हो, भगवान के लिए सेवा कर रहा हूं इसलिए उसमें प्रसन्नता आ जाती है। तो दोनों में भाव क्या है कि हमारी चेतना हमें भगवान में लगानी है, भगवान में या भगवान की सेवा में। तो अगर हम अनासक्त रहते हैं तो हम बार बार फल की चिंता नहीं करते रहते हैं, और फल की चिंता नहीं करते रहते इसलिए हम पूरी एकाग्रता से सेवा में लग सकते हैं। हम देखते हैं प्रभुपाद जी कितना प्रयास, लगभग 40 साल तक उन्होंने भारत में प्रचार करने का प्रयास किया, पर फिर भी उनको यश नहीं मिला। तो अगर वो गैर जिम्मेदार होते तो इतना प्रयास ही नहीं करते थे। तो वास्तव में देखते उनको फॉलो अप भी कौन कर रहा था, एक बार सेवा करने को बोल दिया, गुरु महाराज ने बोल दिया, एक बार शुरुआत में बोला, बाद में वो शरीर त्यागने के पहले बोल दिया, बाद में कौन है उनको बोलने को। फिर भी उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की और प्रयास करते रहे,
तो वो अनासक्त थे, मतलब क्या कि फल नहीं भी मिले तो भी मैं तो प्रयास करते ही रहूंगा। तो उसमें हम देखते हैं, अगर हम वो इलामत का पहला भाग या दूसरा भाग का पहला भी भाग देखते हैं, उसमें देखते हैं कि प्रभुपाद पूर्णतया एकाग्रते भगवान का गुणगान करने, भगवान की सेवा में अपनी क्षमता के अनुसार जो भी मौका मिल गया है उसके अनुसार वो सेवा कर रहे थे। और इस तरह से वो वीत राग भय क्रोध, तो ये जो है ये कई बार आता है, उसने दो बार आता है, दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में आता है, वो 54वें क्षमता के अनुसार हम ध्येय बना सकते हैं। सत्वगुण में रहना मतलब क्या कि वो ध्येय से ज्यादा आसक्त न हो जाए कि, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना कि ये मिल गया फल, ये मिल गया फल, मिल गया फल, और बहुत हताश नहीं होना फल नहीं मिला। पर फिर भी क्या है, यह आवश्यक है कि हमें ऑल ऑफ अस नीड अ टेस्ट ऑफ सक्सेस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो इसीलिए ऐसी सेवा होनी चाहिए जिससे कि हमें वो यश मिल सके। साधारणतः हमें जो सेवा होती है ना, वो तीन विभागों में डाल सकते हैं। एक ऐसी सेवा होती है जो हमें अच्छी लगती है करने को, जिसमें हमें रुचि मिलती है, जिसमें हमें आनंद होता है, और साधारणतः ऐसी सेवा होती है जो हम अच्छी कर भी सकते हैं। तो क्या होता है, अगर मैं अच्छा गा सकता हूँ तो उससे मुझे भी आनंद मिलता है, उससे मैं भक्तों को प्रसन्न कर सकता हूँ, प्रवचन दे सकता हूँ, जो भी है। तो एक है जो सेवा हमें अच्छी लगती है, जो हमें उत्साह लगता है करने को, उस करने से हमको संतुष्टि मिलती है। ये दूसरी सेवा है कि जो हमको बोले तो करेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ रुचि नहीं है, पर उसमें करने को इंस्ट्रक्शन दिया है इसलिए मैं कर रहा हूँ। और तीसरा ऐसे प्रकार की सेवा भी हो सकती है जो हमको करना बड़ा मुश्किल लगता है, तो वो करने के लिए हमें अंतरंग संघर्ष करना पड़ता है। मैं करना नहीं चाहता पर करता हूँ, मुझे बोला गया है, मैं शरणागत हूँ इसलिए मैं शरणागत होना चाहता हूँ इसलिए करता हूँ। साधारणता क्या होता है कि अगर हम सिर्फ हमेशा तीसरे प्रकार की सेवा करते रहेंगे तो हम हताश हो जाओगे, मानसिक स्तर पर हमको शक्ति ही नहीं रहेगी। तो कैसे होता है कि जो पहले प्रकार की सेवा जो होती है तो उससे हमें शक्ति और उत्साह मिलता है, और उससे जो तीसरे प्रकार की सेवा है वह करने की क्षमता होती है हमें। तो आप समझे तीन प्रकार के विभाग जो होते हैं, तो वो क्या होता है, ये पहले प्रकार की सेवा होती है वो क्योंकि हम अच्छी कर सकते हैं, हमको अच्छा लगता है करने को, तो उसमें यश भी मिलता है हमको, और यश मिलने के साथ साथ उसमें ही हमें वो हम उसे करने में संतुष्टि भी आती है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे हम परिपक्व हो जाएंगे, हमारी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, तो हम समझ पाएंगे प्रभुपाद जी उपदेशामृत के परिचय में लिखते हैं कि जब व्यक्ति सत्वगुण में आ जाता है तो उसके बाद में प्रगति कैसे करनी है यह अंदर से पता चल जाएगा। अंदर से पता चल जाएगा इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उसका मतलब यह है कि शास्त्रों में बहुत कुछ चीजें बताई गई है, अलग अलग भक्तों से मैं बहुत कुछ सुनते हैं, तो उसमें से क्या पालन करना है मुझे, क्या मेरे सबसे अनुकूल है, वह हम समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या है, जो पहले प्रकार की सेवा होना जरूरी है इससे कि हम प्रगति कर सके, इससे हमें उत्साह मिल सके, संघर्ष करने की शक्ति मिल सके, और यश का आस्वादन भी हो सके। क्लियर ना? तो इसको आगे ला सकते हैं, साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाए। What if somebody like has an attitude that I'll not take responsibility because then I'll be accountable? So how do you tackle that? अगर कोई सोचता है कि मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा क्योंकि फिर उससे मैं कुछ जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों किया, तो यह जो है यह भाव दो प्रकार से हो सकता है। एक है कि व्यक्ति में वास्तव में क्षमता ही नहीं है करने की। क्या होता है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस शुड नॉट बी मिस्टेकन टू बी लैक ऑफ सिंसियरिटी। क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति को कुछ करने की क्षमता ही नहीं है, उसी को आप बोलते हैं मैनेजमेंट की सेवा करो, पर वो मैनेजमेंट करने की उसकी प्रवृत्ति नहीं है, तो
वो उसको करने को बोलेंगे तो फिर उसको इतना बड़ा बोझा लग जाता है। तो वो इसमें उस पर कुछ देर पहले बताया था ना कि कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति के व्यक्ति है उसको आप फंड रेजिंग करने को बोले उसको बहुत बड़ा बोझा लगेगा। कोई वैश्य के प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसको शास्त्रों में कुछ लोग ढूंढने को बोले उसको बड़ा बड़ा बोझा लगेगा। तो क्या होता है, अलग अलग लोगों की अपनी क्षमता होती है, तो अपनी प्रतिभा होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग जिम्मेदारी में हिचकिचाते हैं क्योंकि वो लगता है कि मुझे कर ही नहीं पाऊंगा मैं, और नहीं कर पाऊंगा तो बड़ा फिर उससे समस्याएं और बढ़ जाएगी, तो क्यों मैं इसमें घुसूं। तो अगर ऐसे हो रहा है तो फिर व्यक्ति को, उन भक्तों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे ऐसी सेवा ढूंढने का प्रयास करें कि जो उनमें क्षमता है करने की, जो प्रतिभा है करने की। और अगर वैसे नहीं है, अगर वो सेवा जरूरी ही है करना जिसमें उनको क्षमता नहीं है, जिसमें उनको ज़्यादा टैलेंट नहीं है, तो फिर धीरे धीरे उनकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता है कि किसी में वो प्रतिभा है ही नहीं, दक्षता नहीं है तो कभी आएगी नहीं। वो विकसित भी हो सकती है, पर वो विकसित करने के लिए धीरे धीरे करना चाहिए, उसमें प्रयास भी करना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि ऐसे नहीं है कि कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसका मतलब वो इनसिंसियर है। ऐसे हो सकता है कि उसमें इनकम्पिटेंट है उस विषय में, उसमें क्षमता नहीं है वो करने की, इसलिए नहीं करना चाहता। पर दूसरा है कि भक्ति दृष्टि, तो ये हम अथॉरिटी की दृष्टि से देख रहे थे, जो भक्ति दृष्टि से ये देखना चाहिए कि हम जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हम कृष्ण भावना में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, हमारे स्तर पे हम अगर कहते हैं कि हमें भगवान का सदैव स्मरण करें, ऐसा होता ही तो बहुत सदैव भगवान का स्मरण तो काफी दूर की बात है, पर कुछ समय तक भी भगवान का स्मरण करना है तो वो आसान नहीं है। तो उसके लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए अगर हम सेवा होती है तो सेवा में जो मन लग जाता है उसके द्वारा हम भगवान में, भगवान के स्मरण में एकाग्र हो सकते हैं। तो इसीलिए जो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि प्रभुजी नेक्टर ऑफ डिवोशन पे जो प्रवचन देते थे बोलते यो इन केन प्रकार मन कृष्ण निवेशित, किसी भी तरह से मन भगवान में लगाना है। तो अभी वही भक्ति सामने सुंदर में दो चीज़ें बताई गई, एक बताया गया अन्याभिलाषता शून्य ज्ञान कर्मा, वो पराभक्ति है, पर वो पराभक्ति का स्तर बहुत दूर है। उसके पहले क्या है, ये न कहना प्रकार मन कृष्ण निवेशित, किसी न किसी पद्धति से मन लगाना है भगवान में। तो अभी उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं और उसका समझाते हुए कि यह गुरु की जिम्मेदारी है और कि शिष्य को उचित पद्धति से वो मन भगवान ने कैसे लगाए समझा। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैज बीन प्रैक्टिकली इन्वेंटेड बाय मी, कि जो कृष्ण भावना आंदोलन है ये मैंने संशोधित किया है। संशोधित किया है मतलब क्या है कि अलग अलग पद्धति से कैसे भक्तों को सेवा में लगाना है, वह डिस्ट्रीब्यूशन है या रथ यात्रा है, यह सब जो है यह बहुत ही अच्छी पद से प्रभुपाद जी ने यह योजना करके बनाया है। तो इसलिए वास्तव में हमें यह समझना है कि भक्त को भी समझना है कि अगर मैं सेवा नहीं है तो मैं भगवान में मन लगाऊंगा कैसे। तो सेवा में जब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तमाल कृष्ण महाराज जब बॉम्बे प्रोजेक्ट में थे तभी वो मिस्टर एन थे, वो बहुत परेशान कर रहे थे और कभी गुंडे आ रहे थे, कभी लीगल ऑफिस में परेशानी आ रही थी। तो एक बार तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के पास गए और बोले कि ये जो इसके कारण ये इतना चिंता हो रही है मुझे कि मेरा जब डिस्टर्ब है। तो प्रभुपाद जी बोला मेरा भी जब डिस्टर्ब होता है। कुछ भूल गए तो फिर प्रभुपाद जी गंभीर हो गए, बोले कि तमाम बोले थे कि इतनी चिंता होती है कि चिंता के कारण मेरा जब डिस्टर्ब हो रहा है। प्रभुपाद जी बोले थे कि योर एंग्जाइटी फॉर सर्विंग कृष्णा विल टेक यू बैक टू कृष्णा, कि आप भगवान की सेवा के लिए अगर चिंता करते हो तो वो चिंता आपको भगवत धाम दे जाएगी। यशोदा मैं को चिंता होती है कृष्ण जंगल में चला गया है तो फिर उसको कुछ काटे तो छुपे हुए नहीं, कुछ कहीं गिर तो नहीं जाएगा, कुछ होगा तो नहीं उसको, तो वो चिंता होती है और चिंता से कृष्ण भावना और प्रवृत्त होती है। तो इसीलिए जिम्मेदारी लेना मतलब क्या है, जिम्मेदारी लेना मतलब हम एक भावनात्मक स्तर पे कृष्ण से संबंधित हो रहे हैं। कैसे होता है कि हमारा एक इमोशनल सर्कल होता है,
कि जिन चीजों के संबंध में हमें भावनाएं होती है, अगर भारत पाकिस्तान की मैच है और भारत हार जाता है तो क्या होता है, हमारे भावनाओं में तूफान आ जाता है, भारत हार गया तो क्या है, इन चीजों में हमारी भावनाएं होती है। और फिर एक भक्त होता है क्योंकि भगवान से संबंधित भावनाएं होती है। तो क्या है भक्ति में प्रगति, मतलब क्या होता है कि आवर इमोशनल सर्कल इंटरसेक्स मोर एंड मोर विद कृष्णा इमोशनल सर्कल, मतलब भगवान कृष्ण को जिस चीजों में भावनाएं लगती है, अगर कोई भक्त बचा कोई एक आत्मा है जो गुमराह हो गया है, वो भगवान के पास आने लग गया है, तो फिर उससे भगवान को प्रसन्नता होती है। तो अगर मुझे भी उससे प्रसन्नता होती कि ये आत्मा भगवान के पास आ रहा है, तो फिर वह मैं उसमें क्या हो रहा है, मेरा और भगवान के भावनाएं वो कुछ हद तक समान हो रही, भगवान की भावना शुद्ध है, मेरी भावना शुद्ध हो रही है। तो जो सेवा जो है, सेवा में जिम्मेदारी है, वो हमको भावनात्मक स्तर पे भगवान से संबंधित करने में सुविधा देती है, मौका देती है। तो वो नहीं है तो हम भावनात्मक स्तर पे कैसे संबंधोगे, भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, पर हमारे स्तर में हम कहा कब तक कर सकते हैं स्मरण, कुछ समय तक कर सकते हैं, पर सेवा जो है पूरी तरह से वो अच्छी तरह से हम मन उसमें लगा सकते हैं। तो बोथ वेज, जो अथॉरिटी की दृष्टि से और भक्ति की दृष्टि से, उसमें उसको सुविधा देकर और प्रोत्साहन देकर उस जिम्मेदारी में जिम्मेदारी के स्वीकार करने के प्रवृत्त करना चाहिए। तो जो सत्वगुण में जो ऐसा कार्य करता है, इट इज हिज एक्शंस व्हाट ही डज, दे आर फार साइटेड। यस, सत्वगुण में कार्य होते हैं वो दूरदृष्टि से होते हैं। सरदारेशु देखे से प्रकाश जाए, प्रकाश मतलब जो होता है उसके परिणाम ही देख सकता है, इन नृत्य का फल क्या होगा, ऐसे का वो जो कार्य करे उसका फल क्या होगा देख सकता है। तो मूढ़ शब्द कई बार आता है, जो मूर्ख होता है, मूढ़ मतलब गधा होता है, तो मूढ़ ग्राहेण आत्मनोयत, तो जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, जानवर जैसे चेतना है, और पीड़या क्रियते तपः, पीड़या क्रियते तपः मतलब खुद को परेशान करता है, खुद को दर्द देता है, परस्य उत्साहनार्थम, और दूसरों को भी दर्द देता है, तत्तामसम उदारतम, तपस्या है वो तमोगुण की तपस्या है। तो जो व्यक्ति अभी मुझे बताया था ना, कभी कभी लोग क्या करते हैं अपने बालों को खींच के निकालते हैं, तो वो इस प्रकार की तपस्या है, वो तपस्या शास्त्रों में नहीं बताई है। तो हमें उस प्रकार जो खुद को परेशान करना है, दूसरों को परेशान करना है, और क्या महत्वपूर्ण क्या है कि अगर उसने उद्देश्य पता नहीं है, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे, और उसका परम जो उद्देश्य वो पता नहीं है, तो फिर वो तपस्या तमोगुण में होती है, प्रकाश जैसे कर रहा था, शरीर काट रहा था, तो ये तत्तामस उदाहरतम। इसके बाद में अभी दान के बारे में, दातव्यम इति यद्दानम्, दातव्यम इति यद्दानम्, दीयते अनुपकारिणे, दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्, दातव्यम् इति यद्दानम्। समझता है कि हमें दान देना है, क्यों दान देना है, ये मेरा कर्तव्य है दान देना। दीयते अनुपकारिणे, सोचता नहीं मैं तुम पे बहुत बड़ा उपकार किया है, तो मैं दान दे रहा हूँ इसलिए। तो जब खांडव में अर्जुन वो सारे अग्निदेव की के निवेदन पे खांडव के जंगल को जलाते हैं, वहाँ पे सब तामसिक और पापी जीव होते हैं, उनको नष्ट करते हैं, तभी माया दानव वहाँ से बचता है, वो आता है अर्जुन की शरण में आता है, कृष्ण की शरण में आता है, और फिर उनको माफ़ कर देते। तो फिर माया दानव कहता है कि तुमने मेरा जीवन बचाया, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तभी वो अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा, तुम अगर कोई मेरे शरण में आता है तो उसको आश्रय देना, ये मेरा कर्तव्य है, मैं कुछ लूँगा नहीं इसके लिए, मैं इसके लिए कुछ भेंट नहीं ले देता हूँ।
नहीं मैं भेंट लेना चाहता हूँ, मैं मेरे वो बोलता कि मैं मेरे मेरा स्नेह आपके प्रति व्यक्त करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ नहीं स्वीकार करूँगा। फिर वो कहे वो कृष्ण के पास जाते हैं, तो अर्जुन कहते हैं अगर तुम कुछ करना चाहते हैं तो कृष्ण के लिए कुछ कर सकते हो, कृष्ण कहते हैं तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो अर्जुन के लिए कुछ करो। और फिर कहते हैं कि तुम यहाँ पे अभी जब भी चल गया है जंगल यहाँ पे तुम आलिशान महल बना दो, फिर वहाँ पे नया सभा बनाते हैं, वहाँ पे क्या है कर्तव्य के रूप में जो करते हैं तो उससे कुछ अपेक्षा नहीं होती है। अनुपकार देशे काल एच पात्र एच, और देश काल पात्र के अनुसार उचित पद्धति से दान देना है। कई बार शास्त्र बताते हैं कि इन इन दिनों में एकादशी में दान देना चाहिए, या भागवतम के अंत में 12 स्कंद में वर्णन आता है कि भागवतम का दान इस एकादशी को देते हैं तो बहुत पुण्य की बात है। वैसे तो ये देशे काले च पात्र एच, फिर जब दान देते हैं तो प्रत्युपकार उसकी अपेक्षा करते हैं, मैंने ये किया है तुम्हें मेरे लिए करना चाहिए, तो ऐसी जो अपेक्षा होगी एक तरह से आदान प्रदान वह स्नेह का लक्षण भी हो सकता है, रेसिप्रोकेशन भी हो सकता है कि भक्त भगवान के लिए कुछ करते हैं भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते जो है वह मैं कुछ हम भक्त भगवान के चरण आते हैं और भगवान भक्त को भगवान भक्त को और आशीर्वाद देते हैं, खुद को और रिवील करते हैं। तो यह जो है यह भौतिक बिजनेस के समान क्यों नहीं, भौतिक बिजनेस में कोई व्यक्ति पैसा देता है और व्यक्ति उसके लिए कुछ करता है, क्या है उसमें चेतना का फर्क है। तो गिव एंड टेक जो है लेना देना तो ये हर जगह पे होता है, पर उसका अपेक्षा क्या होती है, भक्त ये अपेक्षा नहीं करता कि मैं जब सेवा करता हूँ तो भगवान मेरे कुछ करेंगे, भक्त जब स्नेह होता है प्रेम होता है तो भगवान की प्रसन्नता ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, पर भक्त भगवान भी भक्त के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर उद्देश्य क्या होता है मैंने ये किया तो मेरे लिए करना चाहिए, तो फिर वो जो है वो राजसिक है, वो भौतिक है, वो जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं वणिक के समान है, एक धंधे धंधा करने वाले थे, तो वही प्रत्युपकारार्थम प्रत्युपकार की चाहते फलम उद्देश्य वा पुनः, फलम उद्देश्य कि आपको फल मिलेगा। तो कभी कभी हम प्रवचन देते हैं तो कभी बोलते हैं कि भक्ति करते हैं तो ये आपका इटर्नल बैंक अकाउंट है, कि अगर आप हर एक जप कर रहे हो हमेशा आपके साथ उसका फल रहेगा। तो ये क्या है, ये शुरुआत में हम बोलते हैं लोगों प्रवृत्त करने के लिए कि आप भक्ति में लग जाओ, पर वास्तव में ये कोई गलत नहीं है क्योंकि ये न कि न प्रकार मना कृष्ण निवेश है। तो जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो फिर हम क्या होता है उसके बाद में हम सिर्फ भगवान के भला चाहते हैं। तो कभी वक्त पूछता है कि ऐसे बताया जाता है कि एक वक्त में चला मेरे व्यवसाय पर सवाल कि अगर हम कहते हैं कि विष्णु के एक विष्णु सहस्र नाम के एक समान एक राम का नाम है और कृष्ण का जो एक नाम है वो तीन राम का नाम है हमारे, तो फिर बोलते हैं हरे कृष्ण महा मंत्र राम का नाम क्यों लेते हैं, सिर्फ कृष्ण का ही नाम लेंगे, एक कृष्ण का नाम जो है राम के तीन नामों से समान है तो ज़्यादा फायदा होगा हमको। तो वहाँ पे क्या है कि डिवोशन इज नॉट अ मैटर ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो है भक्ति ये गणित की बात नहीं है। हम जब जप करते हैं हम भगवान को पसंद करना चाहते हैं, हम पसंद करते हैं उनके भक्तों ने आदेश दिए उसके अनुसार, शास्त्रों में उन्होंने जो आदेश दिया उसके अनुसार। तो इसीलिए यह जो है कि हमारे गुरुवर ने हम क्या बताया है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, राम नाम का भी जप कर सकते हैं उसमें कोई गलत नहीं है, पर यह भाव नहीं होना चाहिए कि राम नाम से ज़्यादा कृष्ण नाम है। तो उससे क्या होता है कभी कभी कुछ अभी कुछ एक भक्त थे अभी चैतन्य भागवत जी बताया कि सब नाम सबसे शुद्ध नाम जो है गौरताई के नाम है, तो क्या है तो कृष्ण नाम तो जब क्या करने की गौर हृदय का नाम ले लो, बस गौर हृदय का नाम ले लो। फिर एक बार भक्त ने पूछा रघुबा जी को कि अगर भगवान से ज्यादा भगवान भगवान को अपने भक्त प्रिय है तो भगवान का नाम लेकर जरूरत है, भगवान के भक्तों का ही नाम लेंगे सर, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले डोंट स्पेक्यूलेट, आप स्पेक्यूलेट जो शास्त्र में बताया है वो करना चाहिए। तो क्या है हर जगह पे हम जब मैथमेटिक्स लेके आएंगे तो क्या है तो वो जो तर्क वितर्क है वो उचित है कई जगह पे,
पर तर्क वितर्क हम शास्त्रों के अनुसार करना है, शास्त्रों के विपरीत नहीं करना है। प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति पूछा कि गाय सत्वगुण में होती है और फिर गाय की विष्ठा जो होती है वह भी पवित्र होती है, तो ब्राह्मण भी सत्वगुण में होता है, तो ब्राह्मण अज्ञातम् तत्तामसमुदारितम्। तो अदेशकाले दानम्, तो एक शराबी चार पांच शराब के बैठ लू बॉटल बहुत पी लिया है, चार पांच शराब बैठ लूंगी और साथ में लिया है और निकलता है घर जाके और पीने वाला है और रास्ते में भिखारी देखता है और उसको एक आधी बॉटल दे, तू भी क्या आदर ले। ये क्या है अदेशकाले दानम, जो खुद का कल्याण नहीं है दूसरों का भी कल्याण नहीं। तो इस प्रकार का जो दान है उसमें कुछ फायदा नहीं है। जो अमेरिका ने अफगानिस्तान पे जो ट्विन टावर जो टूट गए थे उड़ा दिए थे उड़ा दिए थे, तो उसके बाद में अमेरिका ने उस पर बॉम्ब से विस्फोट किया। तो अभी क्या होता है इस तरह से आक्रमण करते हैं तो उसमें जो सैनिक जो आतंकवादी है वही घायल हो गए वही मृत्यु की वजह कोई गारंटी नहीं है। सिविलियंस मतलब जो युद्ध नहीं कर रहे साधारण लोग वह भी घायल हो सकते हैं। तो क्या कर रहे थे अमेरिका, वो बम डालते थे और बम डालने के बाद कोई हवाई जहाज आते थे वो सैंडविच डालते थे, क्या है जो लोग बच गए हैं तो उनको राहत देने के लिए। और सैंडविच भी क्या था सैंडविच, वो सैंडविच इट वाज फिल्ड विद बीफ सैंडविच। तो दान दे रहे हैं पर क्या दान है वो वास्तव में तामसिक है। तो अदेशकाले दानम्। तो इसके बाद में अभी भगवान ने सत्व रज तमोगुण जो है उसका पूर्ण कर लिया लक्षण। अभी बोल रहे हैं कि अभी अगर कोई व्यक्ति सत्व रज तमोगुण में है तो उससे वो दिव्यता के स्तर पे कैसे जा सकता है, तो वह है भगवान को अर्पण करने से। तो अगर भगवान पता नहीं है तो इसलिए ओम तत्सत या भगवान को भगवान को संबोधित करने का पद्धति है। तो इन शब्दों से भगवान को संबोधित करके व्यक्ति कार्य कर सकता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्तत्रविदस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। ओम तत्सत इति निर्देशो, निर्देश मतलब उसको संबोधित करते निर्देशित करते किसको, ब्रह्मणस। इसमें दूसरी पंक्ति में ब्रह्मणस शब्द आता है, तीसरे पंक्ति में ब्राह्मणस शब्द आता है। तो ब्रह्मण जो है दूसरी पंक्ति में वो परम सत्य के बारे में, ब्रह्मण जो है परम ब्रह्म जो होता है ब्रह्मण के बारे में समझता है, और तीसरी पंक्ति में जो ब्राह्मणस है वो ब्राह्मण। तो ये बता रहे हैं कि वो ब्रह्मण को संबोधित करने के लिए काफी समय से पूरे समय पूरा मतलब काफी पुरातन काल से ब्राह्मण वेद और यज्ञ इन सब में क्या वो ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण को ओम तत्सत इस शब्द से संबोधित किया जाता है। तो अभी ओम तत्सत के साथ क्या क्या अर्थ है, अभी एक पंक्ति में ओम फिर तत् और सत उसका वर्णन करेंगे भगवान। तो ओम इसे संबोधित करते हैं यज्ञदान तप क्रिया। जब कोई व्यक्ति यज्ञदान तप करना चाहते हैं तभी वो ओम उच्चारण करते हैं और प्रवर्तन्ते विधानोक्ता, विधान के अनुसार जो कर रहे हैं उक्ता करें तदम ब्रह्मवादी नाम। तो अभी जो ब्रह्मवादी शब्द है यहाँ पे ये मायावादी और ब्रह्मवादी जो है उसका संबंधित नहीं है, यहाँ पे वह एक टेक्निकल कैटेगरी है।
जैसे क्या है कि ब्रह्म ये शब्द क्या नहीं करता है, जैसे हमने देखा था ब्रह्म का एक शब्द था प्रकृति भी हो सकता है, निसर्ग भी हो सकता है, चौथे अध्याय के तीसरे चौथे श्लोक में, चौदहवें अध्याय के तीसरे चौदह श्लोक में देखा, तीसरे और चौथे श्लोक में देखा था कि मम योनिर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि। ब्रह्मवादी जो है इसका अर्थ मायावादी ब्रह्मवादी नहीं है, इसका मतलब क्या है जो परम सत्य की अभिलाषा कर रहे हैं, जो परम सत्य की अभिलाषा कर रहे हैं उसमें कुछ जो कुछ लोग होते हैं ओम इत्यधावरत्य यज्ञ दान तप करते हैं। अब यज्ञ दान तप जो है यह व्यक्ति भौतिक चेतना से भी कर सकता है और अलग अलग प्रकार के स्तर की चेतना से कर सकता है, पर अगर वह ओम जो उच्चारण करता है इसका मतलब क्या है, वह उसके द्वारा यह परम सत्य को संबोधित कर रहा है। वास्तव में ओम ये शब्द है यह विश्व के अनेक भाषाओं में उसी प्रकार का शब्द है जिससे कि परम सत्य को संबोधित किया जाता है। जैसे कि अंग्रेजी में अगर भगवान को बोलना है तो उसका कहते हैं ओमनी, गॉड इज ओमनीपोटेंट ओमनीशियंट ओमनीप्रेजेंट। ओमनी मतलब सब जगह है, वो सर्वज्ञाता है, वो सब जगह पे उपस्थित है, वह सर्वव्यापी है, वह सर्वशक्तिशाली है। तो ओम और ओमनी वह एक ही मूल से आते हैं, उस तरह से ओम से ही आता है आमेन, उससे ओम से ही आता है जो आमेन ओल्ड टेस्टामेंट बाय क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, बाय कुरान में आमीन बोलते हैं, तो वो जो है यह सब एक ही मूल से आ रहा है। तो क्या है ओम या ओम से मूल आता है उसका, ओम मतलब सब सर्वव्यापी, तो उससे आ रहा है। तो ओम जो है यह भगवान को ही संबोधित करता है, पर यह भगवान को एक नॉन पर्सनल पद्धति में संबोधित कर रहा है। जैसे कि अगर वही राय वही प्रधानमंत्री है तो उसको एक बहुत ही जनरल नाम है हेड ऑफ स्टेट की राष्ट्र का अध्यक्ष, उसको और स्पेसिफिक नाम हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हेड ऑफ स्टेट मतलब कौन से भी देश का प्रधान हो सकता है, तो किस देश में राजा प्रधान हो सकता है, किस देश में प्रधानमंत्री प्रधान हो सकता है, किस देश में राष्ट्रपति प्रधान हो सकता है, तो हेड ऑफ स्टेट ये बहुत जनरल हो गया। थोड़ा और स्पेसिफिक क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उससे और स्पेसिफिक है बोले मनमोहन सिंह, ये और स्पेसिफिक है। तो उस तरह से क्या है यह जो है ओम ये बहुत ही ब्रॉड नाम है, बहुत ही नॉन स्पेसिफिक नाम है। कृष्ण ये बहुत ही स्पेसिफिक नाम है, विशेष नाम है ये। तो इस तरह से जो परम सत्य को जानते नहीं है कि वो वास्तव में परम सत्य कृष्ण ही है, या वो परम सत्य को निर्गुण रूप से देखना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते हैं, वो ओम इस संबोधित करते हैं, पर उससे भी संबोधित कर रहे हैं तो वो अनुचित नहीं है, वह भी उससे वो प्रगति करेंगे धीरे धीरे। तो पिछले श्लोक में इस श्लोक में क्या पिछले होता है ब्रह्मवादी ना, और यहाँ पे है मोक्षकांक्षी भी। तो फर्क क्या है इसमें कि ब्रह्मवादी जो होते हैं, इसलिए बताया था कि जो मायावादी की तुलना में ब्रह्मवादी जो है ये ब्रह्मवादी नहीं है, ये ब्रह्म की अपेक्षा कर रहे हैं पर वो धीरे धीरे कर रहे हैं। मतलब क्या है, पिछले श्लोक में बताया गया वो धर्म अर्थ काम के मार्ग से बाद में मोक्ष की ओर आएगी। तो ओम जो होता है वह कई बार जो कर्मकांड यज्ञ होते हैं उसमें भी बताया जाए सम्बोधित करते हैं उसको। तो कर्मकांडी यज्ञ में क्या होता है, सत जो ओम तत् सत जो तत् सत अभी आएगा भी आएगा कि उसमें जो भगवान है पर भगवान पे चेतना का केंद्र नहीं है। जैसे क्या है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान का अस्तित्व मेरी नृत्य का आयोजन करने के लिए है। क्या है कि भगवान कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक जगत में लीला कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ में आ जाओ, तुम सहभागी हो जाओ उसमें, तुम सहयोग करो उसमें। पर कर्मकांड मतलब क्या है, भगवान मैं यहाँ पर लीला करना चाहता हूँ, तुम मुझे मदद करो यहाँ मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ यहाँ पे, तुम मुझे मदद करो। तो ये क्या है, भगवान को अस्तित्व स्वीकार करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, पर भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ हो जाना। तो जो है ओम जो बोलते हैं अधिकांश रूप से
ब्रह्मवादी जो होते हैं वो धर्म अर्थ काम की के स्तर पे रहते हैं, पर तत् ओम तत् तत् मतलब क्या है, चेतना उस परम सत्य पे अभी शिफ्ट हो रही है, अभी हिल रही है उनकी ओर, तो इसीलिए मोक्ष कांक्षी भी, वो मोक्ष कांक्षी भी है और साथ साथ अनभिसंधाय क्या है, वो आसक्त नहीं है, अनभिसंधाय। तो यज्ञ दान तप कर रहे हैं पर वो फलम से अनभिसंधाय, अभिसंधाय मतलब आसक्त, अनभिसंधाय मतलब आसक्त नहीं है, तो इसलिए वो यज्ञ दान तप के भौतिक फलों से आसक्त नहीं है, वो सिर्फ मोक्ष कांक्षी भी है। तो मतलब ओम तत्सत ये तीनों जो है यह उसी परम सत्य को संबोधित करते हैं, पर ओम सिर्फ जो व्यक्ति बोलता है उसकी चेतना उतनी प्रवृत्त नहीं है, उसकी समझ उतनी प्रवृत्त नहीं है, तत् जब बोलता है तो उसकी चेतना और और प्रगतिशील होगी, भगवान पे केंद्र लाया है। फिर इसके बाद में सत के बारे में बताएंगे, सद्भावे साधु भावे च, सद्भावे साधु भावे च, सदित्येतत् प्रयुज्यते, सदित्येतत् प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा, प्रशस्ते कर्मणि तथा, सच्छब्दपार्थयुज्यते, सच्छब्दपार्थयुज्यते, सद्भावे साधु भावे च। तो भाव मतलब चेतना या भावना, सद्भाव। तो जब जब जो व्यक्ति की सत जो परम शाश्वत सत्य जो है, सत्य की ओर आकर्षण होता है, भावना होती है साधु भावे च, और साधु मतलब अच्छा। तो जो सद्भाव होता है साधु भाव होता है, मतलब जो शाश्वत चीजों की ओर आकर्षण होता है वो अच्छा होता है, और तभी सद इत्येतत् ओम तत्सत। तो क्या है कि अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक पद्धतियां हैं, धार्मिक पद्धतियां हैं, तो उनमें हम जो उच्च है और उच्च नहीं है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो जैव धर्म में भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि जो भी धार्मिक पद्धति है वह किसी एक परम सत्य जो है जो शाश्वत है उनके ओर आकर्षण बढ़ाती है, उनका ज्ञान देती है, उनके ओर आकर्षण बढ़ाती है, वह अनुकूल है, वह अच्छी है। तो क्या मतलब है इसका कि एनी रिलीजियस सिस्टम विच गिव्स नॉलेज ऑफ द इटर्नल एंड विच डायरेक्ट्स द हार्ट टुवर्ड्स द इटर्नल इज एन ऑस्पिशियस सिस्टम। तो अभी क्या है कि अगर हमें आध्यात्मिक बनना है तो सबसे पहले भौतिक स्तर पे आध्यात्मिक चीज को समझना है, और उसके साथ साथ भावनात्मक स्तर पे उस आध्यात्मिक सत्य की ओर आकर्षित होना है। तो ये दो चीजें होनी चाहिए। अभी वो परम सत्य क्या है, उसका नाम क्या है, उसको भले ही कोई कृष्ण बोलेंगे, कोई यहोवा बोलेंगे, कोई अल्लाह बोलेंगे, वो अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं चैतन्य शिक्षा अमृत में कि वही एक ऊंचा पर्वत के शिखर है, वही माउंट एवरेस्ट है, तो उसको एक व्यक्ति दक्षिण से देखेगा, एक उत्तर से देखेगा, एक पूर्व से देखेगा, एक पश्चिम से देखेगा, सबको वो उसके अलग अलग पहलू दिखाई देंगे। तो इसी तरह कहते हैं कि इधर से पूर्व से पातंजलि ने उसी से परम सत्य को देखा है, और पश्चिम से जो है प्लेटो ने उसी परम सत्य को देखा है, व्यास ने उसी परम सत्य को देखा है, मोसेस ने उसी परम सत्य को देखा है, अलग अलग दिशाओं से उन्होंने देखा, एक सत्य है वो, पर वो अलग अलग दृष्टिकोण से दिखता है, तो अलग अलग दृष्टिकोण से दिखने से वो व्यक्ति को अलग अलग पद्धति समझ में आता है। सदित्येतत् प्रयुज्यते पर महत्वपूर्ण क्या है कि किस हद तक वो व्यक्ति भगवान परम सत्य जो शाश्वत तत्व है उसको समझ रहा है, उसके ओर आकर्षित हो रहा है, वह महत्वपूर्ण है। तो जितना वो शाश्वत तत्व की ओर आकर्षित होगा उतना उसका कार्य, उतना वो उसके लिए मंगलमय है। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि अगर मान लीजिए मैं किसी मस्जिद में जाता हूँ, तो वो मस्जिद का नाम नहीं लेते, बोलते कि अगर मैं ऐसी जगह में जाता हूँ जहाँ पे भगवान की पूजा हो रही है किसी अलग पद्धति में, जो मैं जानता नहीं उस पद्धति से जानता हूँ उसके पद्धति से नहीं मान रहे, और भगवान भी जिस मूर्ति में या जिस रूप में, जो एम्बलम उसको कहते हैं, व्हाट इज एम्बलम इन हिंदी, प्रतीक, उस प्रतीक में जो है
वह वहाँ पे है, वह भी मेरे अनुकूल, मेरे मुझे पहचान नहीं पा रहा उसको मैं, तो ऐसे में देखता हूँ तो उस समय मैं क्या करूँगा। तो इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस, आई फर्स्ट रीड इट आउट इन इंग्लिश देन आई एक्सप्लेन इट। Bhaktivinoda Thakur says, when we have occasion to be present at the place of worship of other religionists at the time of their worship, we should stay there in a respectful mood, contemplating thus. Here is being, अगर जब हम कहीं आते हैं, अगर मस्जिद में जा रहे हैं या वहाँ पर कोई नमाज पढ़ रहा है, नमाज कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए? Here is being worshipped, my adorable highest entity God, in a different form other than that of mine. जो मैं जानता हूँ उससे अलग रूप में भगवान को पूज रहे हैं। I bow down before his emblem. As I see here and offer my prayer to the my Lord who has adopted this different emblem. कि मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ कि वो कितने दयालु है कि उन्होंने अलग अलग लोग है, अलग अलग प्रवृत्तियां है, तो उनको आकर्षित करने के लिए अलग पद्धति से विद्यमान हुए वो। और मैं क्या प्रार्थना करता हूँ? So that he may increase my love toward him in the form that is acceptable for me. तो जो मैं अगर मस्जिद में आता हूँ तो वहाँ पे कोई नमाज पढ़ रहा है, तो प्रभुपाद जब ईरान में थे, प्रभुपाद क्या है, मुस्लिम देशों में प्रचार करना मुश्किल होता है, तो ज़्यादा प्रभुपाद जी मुस्लिम देश में गए थे, ईरान एक जगह एक ही मुस्लिम देश में गए थे प्रभुपाद जी, ईरान में जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे भक्तों से चर्चा कर रहे थे वो कि किस तरह से हम यहाँ प्रचार कर सकते हैं, तो तभी पीछे वो नमाज पढ़ना चालू हो गया, तो नमाज पढ़ना चालू, तो प्रभुपाद जी तुरंत अपनी आँखें बंद कर ली और हाथ जोड़ लिए और पूरा वो नमाज पढ़ के चल रहा था, प्रभुपाद आँखें बंद थी उनके, ध्यान से सुन रहे थे, और फिर पूरा ख़त्म हो गए तो प्रभुपाद जी अपनी आँखें खोली। Wasn't that beautiful? सुंदर था ना वो? तो भक्त थोड़े अचंभित हो गए, फिर एक भक्त ने कहा प्रभुपाद जी की नहीं बेहतर होता कि वो हरे कृष्ण मंत्र जप कर तो प्रभुपाद जी ऐसे दुखी हो गए, बोले विचित हो गए, डोंट मेक मी सेक्टेरियन, कि आप मुझे सेक्टेरियन क्या है, पक्षपाती, कट्टरवादी नहीं, कट्टरवादी मैं नहीं होगा, सांप्रदायिक हम संप्रदाय है तो संप्रदाय साधन एक सकारात्मक पद से बोल सकते हैं, हाँ तुम मुझे किसी एक पक्ष में मत डाल दो, देखिए वो अपने पद से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम हमारे पद से गुणगान कर रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम कोई भगवान के पास जा रहा है, भगवान को पूज रहा है, तो बहुत अनुकूल है उनके लिए, तो इसीलिए क्या है सदित्य तत् प्रयोज्यते, कि अगर सबकी ओर आकर्षण बढ़ रहा है तो वो जो धर्म है वह अनुकूल है। तो अभी दुनिया में अलग अलग प्रकार के धार्मिक पद्धतियाँ हैं और उसमें उसके द्वारा लोग कुछ हद तक उनकी क्षमता के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार, उनकी परिस्थिति के अनुसार, उनकी संस्कृति के अनुसार भगवान की प्रगति कर रहे हैं और यह भगवत चेतना के विकास के लिए अनुकूल है। पर इसके साथ साथ तो ये एक दृश्य देख लेंगे, इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि हम देखते हैं कि ये जो मुस्लिम धर्म है या क्रिश्चियनिटी भी थोड़े कुछ हद तक, पर मुस्लिम ज़्यादा तक, वह क्या है, वह दूसरे धर्मों के खिलाफ वह काफ़ी इनटॉलरेंट है, वह साथ रहने का भाव नहीं है। तो कई बार जब मुस्लिम राजा होते थे, कोई राज्य को जीत लेते थे, तो फिर क्या करते, वहाँ पर पहले जाके वो महल को उद्वस्त करते थे और फिर मंदिरों को उद्वस्त करते थे, तो क्यों, क्योंकि क्या है उनकी संकल्पना अलग होती है, उनकी संकल्पना क्या है कि एक ही भगवान है, वह तो हम भी स्वीकार करते हैं भगवान एक ही है, पर वो क्या सोचते हैं कि वह जो एक भगवान है उसको किसी, वो अदृश्य है, वो किसी भी रूप में आ नहीं सकता, पता नहीं है, तो इसीलिए अगर किसी भी रूप में कोई आ गया है तो वो भगवान नहीं है, वो भगवान का प्रतिद्वंद्वी है। तो जब भी वो, अभी हम कहते हैं कृष्ण या अल्लाह वो एक ही है, पर बहुत से मुस्लिम जो है वो सोचते हैं ऐसे, उन्हें ऐसे नहीं सोचते, वो क्या सोचते हैं अल्लाह ये अकेला भगवान है और कृष्ण हो, राम हो, कोई भी हो, ये क्या है, ये भगवान की प्रतिद्वंद्वी है, और वो कहेंगे नहीं, पर कई बार वो कहते हैं कि ये वास्तव में शैतान ने ये सब रूप लिए है, अल्लाह से दूर आपको प्रलोभित कर लिया।
तो इसीलिए क्या है, भगवान का गुणगान करना है तो भगवान के प्रतिद्वंदियों का नाश करना चाहिए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, विग्रहों को, विग्रह पे आक्रमण करते हैं, विग्रहों का नाश करते हैं। तो यह सब क्या है, यह संकीर्णवाद है, संकीर्णवाद है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी भी चौकन्ने थे। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में जो तात्पर्य दिए है तो उन्हें कई बार बताया किस तरह से जो विग्रहों पर आक्रमण हो रहा था और फिर विग्रह को जयपुर लिखे गए और फिर बचाए, और वो जो है उसके बारे में वो हिचकिचाते नहीं बताने को। और चांद काजी के साथ जो संवाद आता है चैतन्य महाप्रभु का 16वें अध्याय में, पहले आदि लीला में चैतन्य चरितामृत के, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु संवाद चल रहा है तो उसमें बताते हैं कि वास्तव में जो कुरान ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट है, ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये मिलेच्छे लोगों के शास्त्र है। तो वह भी शास्त्र है, प्रभुपाद जी शास्त्र शब्द स्वीकार करते हैं, पर वो क्या है, वो कहते हैं कि यह उनमें कई प्रकार बोलते, इसमें ज़्यादा तत्वज्ञान नहीं है। इसीलिए जो लोग वैज्ञानिक पद्धति से भगवान को समझना चाहते हैं उनको इनके द्वारा ज्ञान नहीं मिलता है, और उसके कारण जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह नास्तिकता की ओर चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं किस प्रकार से जो सवालों का जवाब था तत्वज्ञान के सब सवालों का जवाब है वह इन शास्त्रों में नहीं मिलता है। और कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि इसमें कई बार दोष भी है। तो यहाँ पर अगर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शास्त्र है तो अगर दोष है तो शास्त्र कैसे कह सकते हैं उनको, क्या है वह हम समझते हैं कि जो भी शास्त्र जो भी ग्रंथ भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, भगवान के पास ले जाते व्यक्ति को, वह अनुकूल है भक्ति के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये ग्रंथों को किस तरह से देखते हैं कि जीव गोस्वामी बताया है संदर्भों में, पहले संदर्भ बताया उन्होंने तत्व संदर्भ में कि श्रीमद् भागवतम जो है यह सर्व प्रमाण चक्रवर्ती भूत है। चक्रवर्ती मतलब शहंशाह जैसे होता है, तो सारे प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम के तत्व के अनुकूल के अनुसार जो भी और तत्व है उसको हम स्वीकार करते हैं। तो इन शास्त्रों में जो भी ज्ञान दिया है अगर वो भागवत का तत्व है उसके अनुसार है तो उसको हम स्वीकार करते हैं, उसके खिलाफ है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें क्या किस भाव से देखना है इसमें कि जिस तरह से व्यक्ति को अगर लोगों को भगवान की ओर ले जा रहे हैं तो वो अनुकूल है, पर वहाँ पे जिस तरह के लोग हैं उनको भगवान की ओर लेके जा रहे हैं तो उनके लिए अनुकूल है। पर क्या है कि अगर लोग सोचने लगते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ है और उसके अलावा और कोई ज्ञान है ही नहीं तो उचित नहीं है। प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी बोलते थे कि कैसे जीसस ने कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, और फिर उन्होंने जीसस ने ज़्यादा कुछ पता नहीं भगवान कौन है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण कहते हैं पिता हम असल बेटे, मैं पिता हूँ सबका, मैं भगवान हूँ। तो कभी कभी वो कृष्ण पाद जी कहा करते प्रभुपाद जी से कि अगर कृष्ण ये जीसस जिस भगवान की बात कर रहे हैं, पिता की बात कर रहे हैं, यदि वो कृष्ण है तो जीसस ने बताया क्यों नहीं इसके बारे में। तो प्रभुपाद जी बताया परिस्थिति देखिए आप, वहाँ परिस्थिति ऐसी थी कि मोसेस ने बताया था जीसस ने दोहराया दाउ शैल नॉट किल कि आप मारो मत, और क्या किया लोगों ने उनको ही मार डाला। तो वहाँ पे स्तर ऐसा था कि लोगों को समझाना मुश्किल था उस समय। और फिर साथ साथ इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी कहते कि ठीक है अगर आप कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है तो फिर आप बताओ भगवान कौन है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो षडैश्वर्य पूर्ण है, षडैश्वर्य जो है, ये कोई भी धर्म नहीं कहेगा कि मेरा भगवान गरीब है, मेरा भगवान शक्तिहीन है, मेरा भगवान बुद्धू है, कोई नहीं कहेगा। क्या है जो ज्ञान शक्ति धन रूप सौंदर्य यह सब धर्म के अनुसार भगवान में ये संपूर्ण मात्रा में है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो है यह भगवान के पद का लक्षण है कि ये शक्ति भगवान के पास होनी चाहिए, ये सब भगवान के पास होनी चाहिए, और फिर उसके लिए हम आपको एक कैंडिडेट देते कि ये व्यक्ति है जिनमें ये सब षडैश्वर्य है। तो अगर आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप कोई और भगवान की संकल्पना बताओ। अगर आपके पास कोई और भगवान की संकल्पना है नहीं और आप ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये संकीर्णवाद हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोला करते, प्रभुपाद जी के शिष्य थे हैग्री प्रभु, वह इंग्लिश प्रोफेसर थे, वो इंग्लिश ओहायो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सिखा रहे थे और वहाँ साथ प्रचार भी कर रहे थे। तो एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनको बुला लिया, उससे कहा उन्होंने कि मैंने सुना है कि अब आप
आपने एक विचित्र भगवान की संकल्पना का सिखा रहे आपने अपने विद्यार्थियों को, मुझे कुछ मुझे पता नहीं था कि भगवान के बारे में बोलना इस कॉलेज में गैर कानूनी है। नहीं नहीं, भगवान के बारे में गैर कानूनी नहीं, पर तुम एक विचित्र संकल्पना बोल रहे भगवान की। तो बोल रहे हैं तुम्हारी संकल्पना क्या है भगवान की? अरे मेरी कोई संकल्पना नहीं है। तो अगर आपकी संकल्पना नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरी संकल्पना विचित्र है? तो बोलते पर नहीं, तुम तो कहते हो कि भगवान काले हैं। तो उस समय क्या था कि अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था, तो सफ़ेद और काले लोगों में बहुत युद्ध हो रहा था। नहीं, हमारे भगवान काले नहीं है, नीले हैं। अब तुम ऐसा कि तुम कह रहे हो कि भगवान काउबॉय है। काउबॉय मतलब आपको काउबॉय जो काउबॉय मूवीज होते हैं वो क्या घोड़े पे बैठते हैं बंदूक लेके जाते हैं, बोले काउबॉय नहीं है काउबर्ड बॉय है। ग्वाले। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपको भगवान के बारे में ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए, भगवान की भक्ति करनी है, तो जहाँ भी भगवान का ज्ञान मिले आप उसको स्वीकार करो। अगर कोई विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता है और अभी भारत में से कोई कॉलेज है, यहाँ पे बलगाम में कौन सा कॉलेज है इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे गोकटे गोकटे कॉलेज है, तो यहाँ पे वो पढ़ रहा है, उस कंप्यूटर इंजीनियर सीख गया। अभी दुनिया में जो नंबर वन कॉलेज है अमेरिका में MIT कॉलेज है, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत विकसित है। तो अगर किसी विद्यार्थी को मौका मिल जाएगा कि वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर सीखने को बोले, तो क्या वो कहेगा नहीं मैं इस कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं इसी कॉलेज में पढ़ूंगा, मैं और कहीं से भी सीखूंगा नहीं? नहीं, उसको पूछना पड़ेगा आर यू इंटरेस्टेड इन कॉलेज और आर यू इंटरेस्टेड इन नॉलेज, रुचि क्या है आपको, सिर्फ कॉलेज में महत्व है या ज्ञान में महत्व है? ठीक उस तरह से जो अलग अलग धर्म है वह एक कॉलेज के समान है, और उसका उद्देश्य क्या है कि भगवान के बारे में ज्ञान देना, भगवान के बारे में भक्ति प्रगति करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको भगवान से प्रेम करना है, तो अगर कहीं आपको भगवान के बारे में और ज्ञान मिल रहा है तो वो ज्ञान आप स्वीकार करो, उससे आपकी भगवान की भक्ति में और प्रगति होगी। प्रभुपाद जी क्या कहते कि अमेरिका में मैं क्रिश्चियन लोगों को हिंदू बनाने के लिए नहीं आया, मेरा उद्देश्य क्या है भौतिकवादी लोगों को आध्यात्मिकवादी बनाना है, टू कन्वर्ट मटेरियलिस्ट इनटू स्पिरिचुअलिस्ट। सी देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन एंड देयर इज अ वर्टिकल कन्वर्जन। हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन मतलब क्या कि बहुत से लोग प्रलोभित करते हैं हिंदू लोगों कि आप मुस्लिम बन जाओ, आए आप क्रिश्चियन बन जाओ, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको दवाई देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, तो उससे क्या होता है वो कन्वर्जन हो जाता है। पर कन्वर्जन के बाद क्या होता है, चेतना का ज़्यादा विकास नहीं होता है, वो पहले हिंदू भौतिकवादी थे, अभी मुस्लिम अभी क्रिश्चियन भौतिकवादी बन जाते हैं, रहते क्या है भौतिकवादी ही रहते हैं। पर प्रभुपाद जी क्या बोला करते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, भौतिकवादी लोगों को आध्यात्मिकवादी बनाने के आया। तो साधारणतः क्या था कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ नाम के वास्ते क्रिश्चियन होता है, मतलब क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया है पर कुछ ज़्यादा क्रिश्चियनिटी का प्रैक्टिस नहीं किया, तो प्रभुपाद जी बोला करते आप फिर आम कृष्ण जीसस को भी हमारे गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, पर क्योंकि ये भक्ति योग चेतन महाप्रभु की जो विधि बताई गई है जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र से बहुत तेजी से व्यक्ति प्रगति कर सकता है, इसीलिए आप ये अनुशीलित करो, इसको स्वीकार करो। पर महत्वपूर्ण क्या है, अगर कोई क्रिश्चियनिटी में ही और तीव्रता से लग गया है और उसमें उसका ही वो पालन कर रहा है, या तो क्रिश्चियन फादर है, क्रिश्चियन प्रीस्ट है भी, तो फिर पादरी बन गया तो उसको ही बोले कि तो तुम छोड़ दो, जब हरे कृष्ण को बोले कि तुम बाइबल को अच्छे से समझो और कि तत्व है उसका अच्छे से विकास करो, आप वेजिटेरियन बन जाओ प्रभुपाद जी बोला कर रहे। तो क्या है हमारा उद्देश्य, जैसे मैं पहले भक्ति ठाकुर ने बताया ना कि पहाड़ है, तो वो पहाड़ को अलग अलग लोगों ने अलग अलग दृष्टि देखा है और फिर उसके देखने के अनुसार वो ऊपर चढ़ रहे हैं। तो अभी उद्देश्य क्या है कि हमें ऊपर चढ़ना है और दूसरे लोगों को प्रवृत्त करना है कि तुम भी ऊपर चढ़ो। तो जो अगर एक मार्ग से पहले से ऊपर चढ़ने लग गया है तो उसको भी वहां से नीचे खींच के तुम यहीं पे चढ़ना है ऊपर, ये ऐसा नहीं है कि तुम उधर से सही में सिर्फ ऐसे नाम बदलो कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, सही में तुम ऊपर चढ़ रहे हो, तुम्हारी चेतना विकसित हो रही है, तुम आध्यात्मिक बन रहे हो, ये देखो। और अगर सिर्फ वो नाम के वास्ते ही हिंदू क्रिश्चियन है पर वो पवित्र पहाड़ के नीचे नहीं है, तो फिर क्या है, वो एक ही पहाड़ है और उसी पहाड़ के शिखर के हमको जाना है।
पर जो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत का संदेश दिया है भक्ति योग का, वह उसी पहाड़ की ओर चढ़ने का एक तुलनात्मक पद से सरल मार्ग है। बाकी मार्ग जो है वो और कठिन मार्ग है। क्यों कठिन है? वहाँ पे जो हायर टेस्ट है, ऊंचा स्वाद है, वह इतना नहीं मिलता है जो ऊंचा स्वाद मिलता है उसकी तुलना में। इसीलिए अगर कोई नीचे ही है, नीचे से ऊपर ही चढ़ना है, तो कहते हैं वहाँ से जो मार्ग है उसकी तुलना में ये जो मार्ग है आसान है। और यह हमारा मिथ्या अहंकार नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हम ये मार्ग कर रहे, पालन कर रहे इसलिए हम ये आसान है। हम देखते हैं व्यवहारिक रूप से कि जितना परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में हरे कृष्ण मंत्र के जप से, कृष्ण के कीर्तन से होता है, उतना परिवर्तन कितने लोगों के जीवन में होता है। अभी कलयुग में चार नियमों का पालन करना कितना मुश्किल है, और वह बहुत से लोग सालों सालों तक धर्म को पालन करते हैं फिर भी ये चीज़ छोड़ नहीं पाते हैं। तो जो परिवर्तन है वह हम व्यवहारिक रूप से देख सकते होता है हरे कृष्ण मंत्र के जप से। इसीलिए ये क्या है, संकीर्णवाद नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, लोगों को वी आर नॉट प्रोपेगेटर्स ऑफ अ सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर फैसिलिटेटर्स फॉर द रेजिंग ऑफ ग्लोबल ह्यूमन कॉन्शियसनेस। कि हम क्या है, सिर्फ एक संस्था का हम प्रचार नहीं करना, ये संस्था सबसे बड़ी, ये संस्था सबसे बड़ी, वो हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि लोगों के सारे विश्व भर में चेतना विकसित कर दे। संस्था वो एक वो सुविधा दे रही है कि जिससे चेतना का विकास हो सके, पर चेतना का उठाना यह प्रधान उद्देश्य। तो सत इत्यत्र युच्यते, तो सत सत की ओर अगर आकर्षण बढ़ रहा है तो वह महत्वपूर्ण है। किस पद से बढ़े वो फर्क नहीं पड़ता है। यज्ञ तपस्या नीच जैसे ओम ये धर्मार्थ काम मोक्ष पे था, तत् मोक्षवादी था, तो ये सत पर्सनल तक आ गए कि वैयक्तिक रूप भगवान के, ऐसे उसका एलिवेशन है। तो क्या सत जो है वह व्यक्तिगत तक पहुंच गए, जरूरी नहीं है, पर सत मतलब शाश्वतता का पहुंच गए। तत् मतलब ओम मतलब क्या है कि ऐसा कोई परम सत्य है जो मेरे भोग में मुझे मदद करेगा। तत् का अर्थ है कि ठीक है मुझसे उस पे केंद्र जा रहा है, पर अभी तक उसकी क्या संकल्पना है वह स्पष्ट नहीं है। पर सत् मतलब कम से कम यह समझ गया कि दिस इज इंटरनल, दिस इज माई गोल। तो उसका व्यक्तिगत रूप से समझना है तो वो उसके लिए वो कृष्ण है, वो वासुदेव है, वो विष्णु है, रामचंद्र है, वो व्यक्तिगत रूप से समझेंगे तब वो व्यक्ति है समझ पाएंगे। पर यहाँ पे उनके शाश्वत शाश्वत अस्तित्व को समझ गए। यज्ञे तपसिदानि च, यज्ञे तपसिदानि च, स्थिति तदिति चोच्यते, स्थिति तदिति चोच्यते, स्थिति तद् स्थिति सद् इति चोच्यते, स्थिति सद् इति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयम्, कर्म चैव तदर्थीयम्, सदित्येवाभिधीयते, सदित्येवाभिधीयते। तो यज्ञे तपसिदानि च, यज्ञान तप जो कर रहे हैं, स्थिति सदित चोच्यते च उच्यते, तो चोच्यते हो गया है कि जब व्यक्ति समझता है कि यह सब जो करना है वह उस सत के लिए करना है। कर्म चैव तदर्थीयम्, तदर्थीयम् तदर्थी उसके उसके लिए करना है, तो तभी वो तदिति एवाभिधीयते। तो तभी क्या होता है, ओम तत्सत इसके पूर्ण समझ व्यक्ति को आ जाती है। उसका मतलब तदर्थी है, उसके लिए सब कुछ समर्पित करना है, नहीं समझ आता है तो वो ओम तत्सत के बोलते हुए वह व्यक्ति परम सत्य तक पहुंच सकता है। और तो ये क्या है, इस श्लोक में अभी कोई शास्त्र के अनुसार कर भी नहीं रहा है, धीरे धीरे वह परम सत्य तक पहुँच सकता है जब निस्वार्थ भाव आ जाएगा, परम सत्य का ज्ञान आ जाएगा। तो यह ऊपर का स्तर बताया गया है, और फिर इस पर अध्याय के अंत में जो बिल्कुल निचला स्तर होता है, तो ये क्या है, उल्टा है। 16वें अध्याय में जो सबसे नीचे का स्तर पहले बताया था, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, फिर बताया था ऊपर उठना है तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। यहाँ पर पहले बताया कि तदर्थीयम्, इस तरह से करेगा व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा, पर जो ऐसे नहीं करता है वह नीचे ही रहेगा। वह आखिरी श्लोक बताते हैं, अश्रद्धया हुतं दत्तम्, अश्रद्धया हुतं दत्तम्, तपस्तप्तं क्रिय
तपस्तप्तं कृतं च यत् तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ असत् इति उच्यते पार्थ च तत् प्रीत्यनो इह तो अश्रद्धया उतं दत्तं तो श्रद्धा नहीं रखता है और तपस्तप्तं कृतं च यत् कोई तपस्या करता है यज्ञ करता है दान करता है दत्तं यानी दान हो गया करता है तो वह क्या है असद इति उच्यते वह असद है तो सत जो सत के विपरीत में असद है असद मतलब वो क्षणभंगुर है और वो सत्य से कुछ संबंधित नहीं है नचित प्रेत्य नोय प्रेत्य तो उसमें है जो उसको अगले जन्म में कुछ फल नहीं मिलेगा और इस जन्म में फल भी नहीं मिलेगा मतलब वो श्रद्धा नहीं रखता है और कार्य करता है तो फिर उसको कोई भी फल नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है श्रद्धा आवश्यक है शास्त्रों में श्रद्धा होगी और भी अच्छा है परम सत्य के लिए श्रद्धा होगी तो वह सर्वोत्कृष्ट है उसके विपरीत जो है वह असत रहेगा तो अभी इस तरह से 17वें अध्याय का अंत होता है और कल से हम 18वां अध्याय चालू करेंगे और धन्यवाद श्रीमद् भगवद गीता की जय गौर भक्त जय गौर प्रेमानंद